कांग्रेस के हंगामे पर मोदी का फुल स्टॉप। पुराने भाषण सुनाकर कहा मेरी नहीं तो इंदिरा और राजीव गांधी की ही सुन लो। उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। प्रधानमंत्री के पलटवार पर राहुल ने लोगों से पूछा कि बताएं किसका भाषण अच्छा। बीजेपी ने कहा मोदी की कही बातें मील का पत्थर। देश के विकास में आज के प्रधानमंत्री का भाषण एक बहुत ही मील के पत्थर के रूप में जाना जाएगा। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया कन्हैया। जेएनयू विवाद पर अब तोड़ी आरएसएस ने चुप्पी। मोहन भागवत ने कहा दुर्भाग्य से ज्यादा है भारत माता की जय नहीं बोलने वालों की संख्या। विधानसभा में उठा जल स्वावलंबन योजना का मुद्दा। बीजेपी विधायक ने पूछा सिर्फ गांव तक ही योजना को क्यों किया गया सीमित, तो वहीं कांग्रेसी विधायक रमेश मीणा ने उठाया हिंगोनिया गौशाला का मुद्दा। विधानसभा में बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी ने दिया विवादित बयान। कांग्रेस पर लगाया आतंकियों और देशद्रोहियों का साथ देने का आरोप। कांग्रेस ने किया कैलाश चौधरी के बयान का विरोध। कांग्रेस कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में फैसला। पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव। गुरुदास कामत ने कहा पायलट हमारे सर्वमान्य नेता। गहलोत ने भी जताई सहमति। कोटा में पार्षद ओम गुंजल की गुंडागर्दी। बिजली विभाग के जेईएन को बुरी तरीके से पीटा। पिटाई में जेईएन का हाथ टूटा। विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजा है ओम गुंजल।